हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। आशा करता हूँ आप सब ठीक और हेल्दी होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने डॉग को मिल्क देते हो तो बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि मिल्क देने से डॉग को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या उसको जो है प्रॉब्लम आगे आ सकती है, कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो सभी इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आप अगर बिगनर है, अगर आप दूध अभी भी दे रहे हैं अपने डॉग को, तो आप कैसे छुड़वा सकते हैं अगर आपका डॉग नहीं खा रहा है, फिर आप दूध नहीं देते तो वो नहीं खाना खाता, तो वो भी सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपने नया पपी लाया तो उसको भी क्या क्या खाने को दे दूध के अलावा, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। और दूध देने से क्या क्या मतलब क्यों देना नहीं चाहिए, क्यों प्रॉब्लम ऐसी होती है कि अगर आप दूध दे तो डॉग को प्रॉब्लम हो सकती है, तो सब जो बातें जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाजू में जो बेल आइकन के ऊपर है उसके ऊपर पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा और शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा सोचते होंगे कि दूध के अंदर तो काफ़ी सारे न्यूट्रिशन और विटामिन्स होते हैं, तो आखिरकार क्यों डॉग को जो दूध नहीं दिया जाता है। आपके जो घर में जो बड़े होते होंगे वो भी ऐसा बोलते होंगे कि हम भी जो है डॉग को दूध देते, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों आज मैं वही तो आपको बताता हूँ कि आखिरकार क्यों डॉग को जो है दूध नहीं देना चाहिए। दोस्तों जो दूध के अंदर है कुछ ऐसे लैक्टेज होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपका डॉग जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसको प्रॉब्लम होती है। ये आपको प्रॉब्लम तुरंत ही नहीं पता चलती, थोड़े दिन आप जब भी मिल्क उसको रेगुलर देते हैं या फिर दो चार दिन बाद आप देते हैं तो उसको थोड़े थोड़े दिन बाद जो है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि वॉमिटिंग होना। जैसे कि वॉमिटिंग हो गई तो आपको ऐसा लगता है कि डॉग बीमार हो गया या फिर उसको कुछ अचानक हो रहा है, फिर आप कमेंट करते हो कि सर मेरा डॉग जो है वॉमिट कर रहा है, क्या होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार ये मिल्क देने से भी जो है ऐसा होता है। और दोस्तों ये दूसरा जो रीज़न है वो जो है, आप जब पोटी कराने ले जाते हैं अपने डॉग को बाहर, तो उसकी पोटी जो है जो पानी जैसे होती है, तब भी आप ऐसा सोचते हो कि यार कुछ मेरा डॉग बीमार है या फिर कुछ खा लिया होगा, बट ऐसा नहीं है, वो मिल्क के कारण होता है। और जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो एकदम से नहीं होती, थोड़े थोड़े दिन में उसको लगता है। आप रेगुलरली जो दूध देते हैं या फिर आप दो चार दिन बाद दे रहे हो तो देखना, आप नोटिस करना कि उसके बाद ही जो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद जो उसके पेट के नीचे जो है दाग धब्बे होना, लाल लाल रैशेस होना, ये सारे जो कारण होते हैं अगर आप मिल्क देते तो उसके कारण भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और ऐसी सारी प्रॉब्लम होती है। दूसरे जो मैं ज़्यादा करके सब्सक्राइबर है वो कमेंट करते हैं कि सर मेरा डॉग कुछ खा नहीं रहा, तो दोस्तों ये सारा जो क्रिएट इससे भी होता, क्योंकि जो उनके डॉग जैसे जैसे बड़े होते तो उनके जो पेट में जो से कीड़े यानी कुछ बैक्टीरिया जो है ऑटोमेटिक जो नेचुरली होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। अगर आप जो उसको जो दूध रेगुलर देते तो जो उसके अंदर बैक्टीरिया जो है एकदम से ग्रो करने लगते हैं और ज़्यादा से तेज़ी से होते हैं, फिर जब उसके कारण उसको बहुत सारे डिजीज से फिर प्रॉब्लम होती है। फिर अगर आप रेगुलर डिवॉर्मिंग भी उसके करा रहे हो तो भी वो जो डिवॉर्मिंग फेल हो जाएगी, अगर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अपने जो बैक्टीरिया थोड़े बहुत बढ़ते उसके कारण आप डिवॉर्मिंग करते, जिसके कारण आपका डॉग पोटी नहीं खाता, पत्थर नहीं खाता और बाहर की कुछ ऐसी चीज़ें गंदगी नहीं खाता। तो ये क्या होता है, अगर आप मिल्क उसको देते हैं तो डिवॉर्मिंग आप कराए तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, वो डिवॉर्मिंग भी फेल हो जाएगी और फिर से थोड़े दिन में जो है थोड़ा बहुत वापस से कचरा खाएगा, फिर बाहर की जो गंदगी खाने लग जाएगा या फिर और भी कुछ ऐसे गंदी हरकत करेगा, जिसके कारण जो आपके डॉग काफ़ी बीमार भी हो सकता है और कुछ उसको डिजीज भी हो सकते हैं। फ्रेंड उसको बहुत सारे डिजीज हो सकती है, जैसे कि वॉमिटिंग होना, स्किन इन्फेक्शन होना, पेट में गैस होना। आप घर में होते होगे तो आपके डॉग के जो पेट के अंदर से कुछ आवाज़ आती है वो गैस होती है, अगर आप रेगुलर मिल्क देते तो उसके कारण जो वो हो सकता है। फिर दोस्तों लूज मोशन होना और बहुत सारी दिक्कत ही है, जो जैसे कि कभी कभार आपके डॉग को जो है हार्ट अटैक भी जो है आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप बिल्कुल ही जो है आपके डॉग को दूध मत दीजिएगा। और दोस्तों दूसरी जो प्रॉब्लम है वो जो आपके डॉग को भूखने लगना, कभी कभार आपका डॉग खाना ही नहीं खाता, एक एक दो दो दिन तक, कभी कभी चार दिन तक भी आपका डॉग नहीं खाता, फिर वो बीमार पड़ता है तो बहुत सारा खर्चा आता है उसको दवा खाना ले जाना, और डॉग जो है ज़्यादा परेशान हो जाता है और बहुत सारी उसको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, आप मिल्क बिल्कुल ना दीजिएगा। और कई कई बार हार्ट अटैक भी हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है, डिहाइड्रेट भी आपका डॉग हो जाता है, बट आपको ये सब ऐसा लगता है कि वो बीमार हो गया फिर कुछ और रीज़न के कारण होता है, बट आपको आप ये नहीं समझ रहे कि मिल्क देने से जो है इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी प्रॉब्लम जो डॉग को होती है मिल्क देने से ही। तो ध्यान रखिएगा, आप बिल्कुल ही डॉग को मिल्क नहीं देता। और दोस्तों आपके मन में ऐसा भी सवाल होगा कि क्यों जो है उसको बटर मिल्क यानी छाछ दे सकते हैं आप, दही दे सकते हैं और जो लस्सी दे सकते हैं, बट दूध नहीं दे सकते।
तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो दूध आप डॉग को देते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होता है जो आपका डॉग जो डाइजेस्ट सिस्टम उसको संभाल नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसके कारण उसको बहुत सारी डिजीज हो सकती है। और बटर मिल्क छाछ हुआ दही हुआ तो उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा करते हैं और आसानी से जो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप बिल्कुल ही उसको मिल्क नहीं देना है। और दोस्तों अगर आप नया पप्पी लेके आते हो जब भी घर पे एडॉप्ट करते हो तो उसको शुरुआत में आप जो सेरेलैक्स देते हो तो आप सेरेलैक्स देते हैं तो उसको जो है सॉफ्ट फूड आपको उसको देना होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है उसको हार्ड फूड आपको जो है उसको देना होता है। तो आप क्या करते हो उसकी जगह पे आप जो मिल्क उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसके कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती होगी। आपने से कहीं अभी भी जो आपके डॉग को जो मिल्क देते हैं तो बिल्कुल ही जो उसको जो मिल्क बंद कर दीजिएगा और कुछ भी मत दीजिएगा। आप अगर सेरेलैक्स के साथ उसको जो है शुरुआती सेरेलैक्स के साथ जो उसको दूध देते हैं फिर वो भी नहीं देना, आपको जो है पानी डाल के आप उसे दे सकते हैं। फिर कोई कई कई फूड होते हैं डॉग फूड उसके अंदर भी जो मिल्क डाल के देते हैं तो बिल्कुल वो भी नहीं देना, उसकी जगह पे आप दही छाछ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप जो है उसको लीवर टॉनिक भी दे सकते हैं, वो भी आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। लीवर टॉनिक से उसको भूख अच्छी लगी, उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा और उसकी इम्यूनिटी शक्ति भी अच्छी रहेगी। तो आप लीवर टॉनिक हुआ फिर विटामिन्स मल्टी विटामिन्स भी आप उसे जो है दे सकते हैं। और फ्रेंड ध्यान रखिएगा, आप अगर डॉग को रेगुलर अभी भी दूध दे रहे हैं तो एक साथ ही उसको दूध जो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपका डॉग खाना नहीं खाएगा। और कहिए कि ऐसी भी शिकायत होती है कि मैं दूध नहीं देता तो मेरा डॉग नहीं खाना खाता, तो आपने जो उसको एक हैबिट लगा के रखी, अगर आपको हैबिट के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, आप वो भी दे सकते हैं। तो कैसे आप खुद ही अपने डॉग को जो हैबिट लगा देते हैं तो उस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप रोज़ रोज़ दूध ना दीजिएगा। और आपको छुड़वाना है तो आप अगर तीन टाइम खाना देते या फिर दो टाइम खाना देते तो एक टाइम में आप थोड़ा सा दूध दीजिएगा और दूसरे टाइम में आप उसे छाछ दे सकते हैं। और फिर धीरे धीरे जो दूध के अंदर आप पानी मिला के भी उसे जो है कम कर सकते हैं। रोज़ एक साथ एकदम ही जो आपको जो है दूध बंद नहीं कर सकती, फिर उसको पता चल जाएगा, फिर वो खाना नहीं खाएगा। तो थोड़ा थोड़ा एक एक या दो दो चम्मच आप उसे पानी डाल के जो दूध में दे सकते हैं, और एक टाइम आपको छाछ देना है या फिर दही दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं जो आपके डॉग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जितना जल्दी हो सके उतना आप छुड़वा दीजिएगा तो आपके डॉग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम जो झेलनी होगी वो नहीं झेलेगा और काफ़ी हेल्दी और फिट रहेगा। और फ्रेंड मुझे ऐसा भी है जो कमेंट करते कि मेरा डॉग को जो है बहुत दिनों से जो मिल्क दे रहा हूँ, एक साल हो गया या छः महीना, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिर वो मुझे वही कमेंट करते कि मेरा डॉग जो मोटा नहीं हो रहा, उसकी हेल्थ बॉडी नहीं ग्रो कर रही, उसकी जो कोट कलर की शाइन है वो इतनी ग्रो नहीं कर रही। तो दोस्तों यही रीज़न है कि आप इतने दिन से जो है मुझको मिल्क दे रहे, फिर उसको आपको प्रॉब्लम आपको नहीं आपके डॉग को जो है झेलनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़ दोस्तों, मिल्क बिल्कुल ही मत दीजिएगा आपके डॉग को, उसकी जगह पे आप दूसरा कुछ दे सकते हैं, जो छाछ वगैरह हुआ, दही वगैरह हुआ, लस्सी वगैरह हुई, ऐसा आप दे सकते हैं, बिल्कुल ही जो उसको मिल्क नहीं देना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन या फिर मन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो करके वहाँ पर भी हम मैसेज करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा अपडेट के लिए फिर अपकमिंग वीडियो के लिए आप हमें जो है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे जो है फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कई और सारे इंटरेस्टिंग वीडियो की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे वीडियो चैनल के अंदर जाके आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।